हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चटनी की रेसिपी। जी हाँ, ये कोई आम चटनी नहीं है। आपने अगर कभी मुंबई का मशहूर वड़ा पाव खाया है तो आपने देखा होगा कि वड़ा पाव के साथ एक रेड कलर की सूखी हुई चटनी भी सर्व की जाती है। यही चटनी वड़ा पाव के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग 20 लहसुन की कलियां, इसके ऊपर का छिलका मत उतारें, लगभग आधा कप मूंगफली के दाने। अगर आपके पास बिना छिलके वाली मूंगफली है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। 1/4 कप ग्रेट किया हुआ सूखा हुआ नारियल। मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर था तो मैंने वही यूज कर लिया है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, चटनी को बढ़िया रेड कलर देने के लिए। 4 से 5 सूखी हुई रेड चिलीज, चटनी को स्पाइसी बनाने के लिए। अब हम गैस को ऑन करके उस पर एक फ्राइंग पैन रख देते हैं। अब हम मूंगफली को पैन में डालकर लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। मूंगफली को हमें लगातार चलाते रहना है जिससे ये सभी तरफ से एक समान रूप से सिक जाए। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और मूंगफली भी हल्की सी रोस्ट हो गई है। मूंगफली को रोस्ट करने के बाद इसके ऊपर का छिलका बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। अब हम मूंगफली को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसके ऊपर का छिलका को अलग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने मूंगफली के ऊपर से छिलके को अलग कर लिया है। अब हमें लहसुन की कली को और सूखी लाल मिर्च को पैन में डालकर हल्का सा रोस्ट करना है जिससे कि इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए। हमें लगातार चलाते हुए लहसुन और मिर्च को रोस्ट करना है। लहसुन इस चटनी का मेन इंग्रेडिएंट है। लहसुन और लाल मिर्च रोस्ट हो गए हैं, हमें इसको भी अलग बर्तन में निकाल लेना है। अब हमें ग्रेटेड सूखा नारियल को भी पैन में डालकर रोस्ट करना है। बिना रुके हुए लगातार चलाते हुए हमें नारियल को रोस्ट करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी रोस्ट हो गया है, अब इसको भी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमें एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेकर इसमें मूंगफली, ग्रेटेड नारियल, लहसुन और सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक डालकर हल्का दरदरा पीस लेना है। ये लीजिए, वड़ा पाव के साथ सर्व की जाने वाली चटनी बनकर तैयार हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स, बिकॉज व्हेनेवर वी अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट ए नोटिफिकेशन ऑन योर फोन।